एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन। रात को भिड़ दे रहे थे और विदाउट ड्रेस चला रहा है वो, दैट इज अगेंस्ट द लॉज। इतनी बड़ी देखो, आप यहाँ पर आए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कितनी बार धन्यवाद बोलूंगे मेरे भाई, अभी तो कंटेंट शुरू हुआ है, छोड़ के मत जाइए, इंजॉय कीजिए, तभी तो आएगा मजा। हाँ मेरे भाई, यही तो है डैड चंडीगढ़ गाय, सारी चीजें एकदम से पलटी हो जाता है, जैसे आपकी जिंदगी हम कर देंगे, कैसे देखते जाइए आगे। हाँ भैया, सुबह मिलेंगे, गुड नाइट। हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। हो गई है मॉर्निंग में शुरुआत डैड चंडीगढ़ गाय के साथ। मैं क्या पल्ले पल्ले आ जाओ, फिर सारी करिए शुरुआत, नवे व्लॉग दिया। ओके सो हम उठ गए हैं, और उठने का मतलब ये है कि उठ गए हैं बीमारी से, कि कल रात को आया पूरा स्वेट आया, पूरा स्वेट हो गया, उसके बाद आराम बढ़ गया, अभी बॉडी भी सही है, गोली ली थी हमने, और एक सुबह भी गोली ले लेंगे क्योंकि सुबह शाम गोली लेनी हो, और अब कुछ ठंडा ठंडा डाल ले, मतलब ठंडी ठंडी हवा बाहर से चल रही है तो कुछ गर्म डाल लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ठंडी नहीं लगनी चाहिए अब दोबारा से। टाइम हो गया 5:30 और हमने अपना काम कर लिया सारा, ये वाला हो गया, वो वाला हो गया, बस बीटरूट जूस बनाना रह गया, और अपने परचून के बैग में हम वो सामान रख देते हैं, ये लेके आया था मैं कल सामान, सारा सामान सब्जी मंडी से, ठीक है, तो ये परचून के बैग में हम रख देते हैं अपना सामान। ओके अब ये फ्रूट हम रख लेंगे अपने बैग में, जो कि हम साथ ले जाते हैं, क्योंकि वो गाड़ी में क्या होता है गर्म हो जाता है, फिर वो वहाँ पर उसका जूसीनेस ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें बैग में ही डाल लेंगे ये वाली चीज़। एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न, बिकॉज कल मैं कहीं ना कहीं फीवर था मेरे को, और शायद मैंने जो इतना सामान लेके कैरी करके आया वो शायद मैं इतना सामान ना कैरी कर पाता, क्योंकि बॉडी में इतनी जान नहीं थी, बट वो एडलिन लेवल एकदम से याद आ गया, जिसकी वजह से मैं इतना कर पाया। सो थैंक यू मेरे भाई, तो जो भी था जैसा भी था तू आया, तूने मेरा दिमाग थोड़ा गर्म किया और मेरे अंदर से वो सिक्रीशन बाहर आया और मैं सारा सामान खरीद पाया। सो सब चीज़ों को लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रात को भिड़ दे रहे थे आवाज़ में, अभी सुबह देखो उठ भी नहीं रहे। ओके हमारा मोटा मोटा सारा काम हो गया है, मोटा मोटा को सब नहाना रह गया, बच्चों की बातिंग और हमारी बातिंग रह गई है, वो हम कर लेंगे। अरे ये क्या बीटरूट जूस आ रहा है, सो बीटरूट जूस चिपका हुआ था एक्चुअली, गर्म पानी में डाल के, आज मैंने गर्म पानी डाला उसके अंदर बीटरूट जूस के अंदर, ताकि इम्पैक्ट ना करे उसको थ्रोट को ना, तो गर्म गर्म डाला, तो गर्म जैसे ही डाला उसके बाद मिक्स किया तो करके ने तो सफाई वगैरह कर डाली वहाँ की भी, और ये थोड़ा सा यहाँ पर भी आ गया था। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक्चुअली वीडियो को देख रहा हूँ तो एक और चीज़ याद ध्यान में आ रही है कि भैया ड्राइवर है वो, नंबर प्लेट है येलो कलर की प्लेट है उसकी नंबर प्लेट, और विदाउट ड्रेस चला रहा है वो, डैट इज़ अगेंस्ट द लॉज। और अभी मैं एडिट कर रहा था तो मेरे व्लॉग पे एक्चुअली उस अनाड़ी बंदे का नंबर पता है क्या आ रहा है, 420 व्लॉग, मतलब मेरे टोटल व्लॉग से 420 या 420 नंबर आया उसके ऊपर। आज तो बेबीज की पार्टी हो गई है, मम्मी के साथ में यहाँ बैठे खाना खा रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब पापा मना कर रहे हैं यहाँ नहीं चलाना, फिर बच्चे ख़राब हो जाएगा। तो आज घिया बनी है, जो घिया हम कल लेके आए थे, पहली बार लेके आए घिया, मतलब जब से हम लेके आने लगे सब शौक सब्जी, तो सही है। घिया कैसी है, सही है घिया, कच्ची है पक्की है कैसी है, ठीक है कच्ची, अरे बताओगे तभी पता लगेगा। थोड़ी सी कड़वी है, कड़वी तो नहीं लगी मेरे को, ठीक लगी है। हाँ थोड़ी, या तो मेरे वो ना, मेरे टेस्ट बड शायद चला गया क्योंकि वो है नहीं, तो किस हिसाब से लेके कच्ची थी, जो एक दूसरी बड़ी घिया है ना वो तो ठीक है, थोड़ी सी लंबी बिल्कुल कच्ची घिया होती है ना, जैसे मेरे को चेक करवाओ ना तब पता चलेगा, लेके आओ यहाँ पे अभी पता चल जाएगा, फिर मैं आगे से वैसे ही लेके आऊंगा ना, मेरे को पता नहीं है मतलब, और इससे बड़ी हो, जो इससे छोटी घिया थी, तीनों घिया इससे छोटी थी ना, पतली पतली, हाँ हाँ वो एक तो कड़वी होती है, उसका टेस्ट नहीं होता। अच्छा तो इतना लेके आना है, हाँ
इतनी बड़ी हो जाए देखो, और इसका पहचान ये कि नाखून डालोगे तो ऐसे लगना चाहिए कच्ची है इसका। हाँ ये नाखून डाला ना देखो, तो मैंने नाखून तो सभी में डाला था ये, फिर वो तो कच्ची तो थी लेकिन वो साथ में कड़वी भी थी, ज्यादा छोटी थी वो। अच्छा साइज उनका काफी छोटा था, तो इतना साइज लेके आना है तकरीबन एक फुट से एक फुट की सी हुई मिली। अब ऐसा करना ना, मेरे को जो ना मैं आगे से स्केल लेके जाऊंगा और एक फुट नाप के लेके आऊंगा। एक फुट है, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, पतली पतली बड़ी बड़ी। चलो ठीक है। अब एक्चुअली कल हुआ क्या था ना, जूते भी डाले थे बाद भी कर लिया, कल एक किलो चढ़ गई थी, मतलब 850 ग्राम रह गई थी, तो छोटी सी उन्होंने डाल दी थी, एक किलो 100 ग्राम हो गई थी। फिर वो कहीं कहीं ना कहीं जो बैग मेरे पास यहीं रखा है यहाँ पे, हाँ इसी में रख दो, तो यही एक दिक्कत थी कि छोटी वाली जो थी वो घिया उसके ऊपर चढ़ी थी। और अब मेरे को ये भी बोला गया था कि वो मत लेके आना, ज़्यादा मोटी मत लेके आना, तो पतली पतली का था इशू, तो इस चक्कर में वो हो गया। बाकी अब धीरे धीरे पता लग जाएगा अपने को भी, नई चीज़ें सीखने से परहेज नहीं करना चाहिए, नई चीज़ें सीखनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपको आती हो, ठीक है ना, हर चीज़ आए ज़रूरी नहीं है, बट सीख जाओगे सीखने का अगर मन हो। पर भैया हम तो सीखने वाले हैं ना बंदे, हम सीख जाते हैं, ज़रूरी नहीं है हम यहीं, मतलब घर का काम कोई भी काम हो, ऑफिस का काम हो कोई भी, नहीं नए नए तरीके से हम सीखने का कोशिश करते हैं। किसी भी बंदे को कभी भी ये मत नहीं सोचना चाहिए कि भैया बहुत सीख गया है, बहुत सीख गया है, नहीं, बुढ़ापे में भी लोग सीखते हैं और बचपन से तो सीखते आते ही हैं, ठीक है। सो अलग अलग पैमाने होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग पायदान होते हैं, अलग अलग सिनेरियोज होते हैं जिनके अंदर नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। चलो बातें बहुत हो गई, चलते हैं सीधा ऑफिस और मिलते हैं अब गाड़ी में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। आ गया देखो मेरे माइंड में एकदम से आ गया वो श्री अम्बे मात की जय, ये बोलते हैं विकास दहल भाई और हम बोलेंगे जय माता दी जय भैरवनाथ। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, अपनी जर्नी शुरू करने से पहले याद आ गया, देखो याद आ गया, मतलब माता चाहती है कि हम करें या भैरव बाबा चाहते हैं हम ऐसा करें। आप सबको लव एंड सपोर्ट चाहिए in order to grow our family to be guys, बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है, यहां से निकल के सीधा जा रहा है आपके पास, करो सब्सक्राइब।